क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में फडणवीस को लेकर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर कैसे दो बार के सीएम फडणवीस डिप्टी सीएम बने, आखिर क्यों सबसे बड़ी पार्टी ने शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना दिया। हर कोई हैरान है और जुबान पर बस यही सवाल, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एकनाथ शिवाजी शिंदे ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की कायदे। सियासत में कुछ भी हो सकता है जिसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अटकलें इन तस्वीरों के उलट होने की थी। सीएम फडणवीस को बनना था और डिप्टी सीएम शिंदे को, लेकिन देखते ही देखते महाराष्ट्र का पूरा खेल पलट गया। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की। पहले फडणवीस ने सीएम पद के लिए शिंदे का नाम लेकर सबको चौंका दिया, साफ किया कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। श्री एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री होते थे। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। शायद खुद एकनाथ शिंदे को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें सीएम का पद देगी। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री पद है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। शिंदे के सीएम बनने के ऐलान से बड़ा खेल जब शपथ से कुछ देर पहले फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने की खबर सामने आई। अटकलें लगने लगी कि फडणवीस नाराज हैं, बीजेपी के आला नेता उन्हें मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। पहले ऐलान किया गया कि शपथ शिंदे लेंगे, लेकिन फिर राजभवन में बकायदा एक और कुर्सी लगाई गई खास फडणवीस के लिए, क्योंकि दो बार के सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस बार डिप्टी सीएम की शपथ लेनी थी। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। बीजेपी के तीन बड़े दिग्गज फडणवीस की तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फडणवीस को बीजेपी के लिए प्रेरणा बताते हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके फडणवीस को बड़ा मन दिखाने वाली बात कही, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी फडणवीस को बड़े दिल वाला बताया। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। सीएम पद के ऐलान के वक्त से ही हर किसी की नजरें फडणवीस पर थी और उनके हर भाव पर अलग अलग अटकलें लगी। शपथ के वक्त भी फडणवीस शिंदे के साथ दिखे, लेकिन चेहरे के भाव हालातों की कहानी बयां कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान कई सवाल समेटी थी जिसके कई मतलब निकाले जाने लगे। शपथ के दौरान फडणवीस के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। मंच पर आने से लेकर मंच से वापस जाने तक समर्थकों की आवाज में भी कहीं ना कहीं टीस नजर आ रही थी। भारे
अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला कब लिया गया, इसकी जानकारी फडणवीस को कब दी गई, डिप्टी सीएम पर किसने मुहर लगाई। सूत्रों की माने तो दो दिन पहले ही एकनाथ शिंदे को सीएम और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला आलाकमान ने ले लिया था। जब फडणवीस ने दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक की थी तभी इस फैसले पर मुहर लग गई थी, यानी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये कि अगर फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना था तो फिर शिंदे के नाम के ऐलान के वक्त फडणवीस ने क्यों नहीं बताया, फडणवीस ने क्यों कहा कि वो सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे, वो सरकार के किसी पद में नहीं होंगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। सवाल अचानक से डिप्टी सीएम की कुर्सी मंच पर लगाने पर हुए, सवाल अचानक से डिप्टी सीएम के शपथ लेने के फैसले पर हुए। इस फैसले ने पार्टी के साथ साथ विरोधियों को भी चौंका दिया। रिक्शा वाले, कंपनी वाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातबट्टी वाले सुद्धा त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी चांगल्या मार्गावरती आणलं, नगरसेवक बनवलं, महापौर बनवलं, आमदार बनवलं, खासदार झाले, मंत्री झाले, मोठी झाली माणसं मोठी झाली आणि मोठी झाल्यानंतर ज्यांनी आपल्याला मोठं केलं। साफ है कि 2019 में बीजेपी की सरकार बननी हो या फिर उद्धव का सीएम बनना हो, उद्धव का इस्तीफा हो या फिर शिंदे का सीएम बनना, महाराष्ट्र में सियासत के सारे दांव खेले गए जिसकी एक किश्त शिंदे सरकार के गठन के साथ जारी हुई। इस दांव में फडणवीस का सीएम ना बनना और डिप्टी सीएम बनना दोनों ही बीजेपी के नए गेम प्लान की ओर इशारा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।